आचार्य जी पालगी चाची, कहाँ कहाँ से फांस लाता है रे नई नई रंडियों को लौंडा का नाती। चुपके से किसको यहाँ से, नहीं तो किस दिन मुंह में झोंक देंगे। आचार्य निज वाइफ नमस्ते। भाग यहाँ से भोसड़ी की। शी इज वेलकमिंग यू। थैंक यू। पांडे जी बुलाए। कौन है सावित्री? C'est super. देवी जी मादलेन है, फ्रेंच है। भोसड़ी की ना ठीक से इंग्लिश जानती है ना हिंदी। Yes. साथ में शब्दकोश लेकर चलती हैं। यहाँ का रेट तो तुम्हें पता होगा कन्नी। जी गुरु। तो गुरु ये सौदा पक्का समझो। हाँ क्यों आई थी वो अंग्रेजन उस लफंगा लुच्चा के साथ? संस्कृत पढ़ना चाहती है। और रहेगी कहाँ? इसी घर में, यहाँ। थूक कर चाटते शर्म नहीं आती आपको? कल तक आप ही घूम घूम कर मोहल्ले में इन अंग्रेज अंग्रेजनों को मलेच और जानवर कह रहे थे कि साले नहाते धोते नहीं हैं, छाड़ा फिरते हैं तो कागज से पोंछकर फेंक देते हैं। कहते थे कि नहीं। और उस दुबे का मकान तो बड़ा था, तो क्यों आसमान सर पे उठा लिया था जब वो एक अंग्रेज को रखना चाहता था? वो तो बाल बच्चे वाला भी था, बीवी भी थी उसके साथ। तब मोहल्ले के लड़के लड़कियां खराब हो रहे थे, धर्म भ्रष्ट हो रहा था, और अब तुम यहाँ खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो? चलो यहाँ से। खबरदार जो उस अंग्रेजन को घर में घुसने भी दिया तो जीने ना देंगे हम। एक बात पूछें, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही अंग्रेजन से? हो रही है ना, और क्यों ना होगी। अब भी रह गए हो किसी औरत के काम की? हमारे बाप अस्पताल में मर ना रहे होते तो आप ही एक मरद नहीं बचे थे हमारे भाग में। मर नहीं रहे थे हम अपने से उम्र में 15 साल बड़े रणवे से शादी के लिए। तो फिर क्यों इतना परेशान हो रही हो तुम? परेशान अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए हो रहे हैं। और हम क्या अपने लिए कर रहे हैं? देखिए कभी जगुआ की औरत की साड़ी, और अपनी देखो, अपना कान नाक गला कलाई देखो। क्या मैं नहीं चाहता कि तुम बढ़िया बढ़िया साड़ियां पहनो, गहने पहनो, बेटी कायदे से लिखे पढ़े, अच्छे घर में उसकी शादी हो, अच्छा वर मिले, ससुराल जाए तो सास ताने ना मारे, संस्कृत लिखने पढ़ने का सुख तो तुमने भोग ही लिया है, अब क्या चाहती हो? बेटे भी घाट पर बैठे। आज तक आपने समझौता नहीं किया तो अब ये सब क्यों? रोटी का चक्का जब कुचलता है ना तो सबसे पहले मूल्य सिद्धांत कुचले जाते हैं सावित्री। गरीबी सब कुछ रौंद देती है। हम अपनी जरूरतें बढ़ाने के बजाय कम भी तो कर सकते हैं। कौन हो तुम और क्या कम करोगी? क्या खाओगी और क्या अपने बच्चों को खिलाओगी? अपनी कौन सी जरूरतें कम करोगी? आज शाम को कन्नी आ रहा है खाने पर। नीति यही कहती है कि अगर वो हमारा ध्यान रखता है तो हमें भी उसका ध्यान रखना चाहिए। प्रेयो मंदो योगक्षेमाद व्रणीते। यम ने नचिकेता से कहा, नचिकेता जरूरी नहीं कि मन को अच्छा लगने वाला रास्ता सच का रास्ता हो, इसलिए समझदार अच्छा लगने वाले सुख देने वाले रास्ते के बजाय श्रेय के रास्ते को सच के रास्ते को चुनता है। एक अंग्रेजन को घर में रखना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप उसे रख दीजिए उपाध्याय या दुबे के घर में, वो चाहते भी रहे हैं, बस पढ़ने आ जाए करे यहाँ। चूतिया हैं हम, हर महीने अपनी जेब से 15,000 रुपए उन्हें दिया करें। 15,000? 15,000 रुपए जोड़ो सर। एक दिन का किराया 500 रुपए, तो 30 दिन के कितने हुए? और वो मेरे हिस्से का किराया है,
यहाँ रहेगी तो किसके हुए? 200 नहीं, 150 रुपए प्रति घंटा के हिसाब से ट्यूशन के भी जोड़ लो। कितने हुए? 4,500। 4,500 में 500 करनी के निकाल दो और उसमें 15,000 किराए के जोड़ लो, तो कितने हुए? 19,000। और तुम चाहती हो कि हम सिर्फ 4,000 अपने पास रखें और 15,000 उपाध्याय या दुबे को दे दें? हमसे बड़ा चूतिया और कोई होगा दुनिया में? एक बात और जान लो, जरूरी नहीं कि वो 6 महीने ही रहे। यदि वो खुश हो गई हमारे तुम्हारे व्यवहार से तो 1-1.5 साल के लिए भी उठा सकती है कोठरी। और वो चली भी गई तो सीजन में 1,000-1,500 रुपया भी किराया मिल सकता है, हर दिन के हिसाब से, बोल रहा था कन्नी है। लेकिन कोठरी है कहाँ? 2 ही तो कोठरियां हैं, तो फिर वो रहेगी कहाँ? छत पर। छत पर? तो क्या आंगन और बैठक से होकर आएगी जाएगी? और छत पर है क्या जहाँ रहेगी? तुम चिंता मत करो, मैंने कन्नी से बात कर ली है। 3 महीने का एडवांस लेंगे और महीने भर में कोठरी तैयार करवा लेंगे। अरे कोठरी तो तैयार करवा लोगे, लेकिन उसके आने जाने का क्या करोगे? तुम तो बड़ी अजेल औरत हो, ना चैन से जियोगी ना रहने दोगी। जय श्री राम। अरे आओ भाई कन्ही आओ। पालगी चाचा, पालगी चाची। अब जाइए 1.25 किलो लड्डू चढ़ाइए संकट मोचन हनुमान जी को और कल सुबह ईटा सीमेंट बालू गिरवा दीजिए और काम शुरू करवा दीजिए कोठरी का। कल शाम को एडवांस दे रहा हूँ। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा कन्नी, पर उसे कह देना कि बहुत जल्द ना मचाए। हमने पंचांग देख लिया है, दिशा मुहूर्त सब समझ लिया है। छत पर जो कोठरी बनाएंगे उसका मुंह पूरब की ओर होगा, गंगा की ओर। वाह। तीनों तरफ खिड़कियां, जहां से देखो वहां से बनारस दिखाई देगा। कोशिश यही करेंगे कि महीने भर में तैयार हो जाए कोठरी। महीना? 7-8 दिन के काम के लिए महीना? 7-8 दिन में अटैच लैटरिन बाथरूम के साथ कोठरी कैसे बनेगी कन्नी? हम आपको बताते हैं। देखिए इस कोठरी में तो कुछ करना नहीं है, बनी बनाई, बस एक लैटरिन बाथरूम अटैच कर देना। ये जो बगल वाली छोटी कोठरी है उसमें नल लगवा दीजिए, कुआरा लगवा दीजिए, अंग्रेजी स्टाइल का गमला लगवा दीजिए, तौलिया उलिया टांगने के लिए टॉवल रॉड लगवा दीजिए, शिवर लाइन तो बाहर से गई है बस उसमें कनेक्ट करवा दीजिए। अब कितने दिन लगेंगे इसमें? कैसी बात कर रहे हो कन्नी, ये कोठरी नहीं महादेव जी का घर है, हम यहाँ पूजा करते हैं रोज, गली से गुजरने वाले भी जल चढ़ाते हैं, फूल माला चढ़ाते हैं। अरे पांडे जी, शिव जी कोई राम लला तो है नहीं कि जहाँ थे वहीं रहेंगे, टस से मस नहीं होंगे। अरे वो ठहरे घुमंतू देवता, अपने मन के राजा, साथ में नंदी है, कभी कैलाश पर तो कभी काशी में, आज कोठरी में तो कल छत पर जा बैठे, आप क्या कर लेंगे उनका? अगर हम गलत हैं तो कहिए। ए कनिया, कान खोल के सुन लो हमारी बात। काशी के हर घर के बाबा हैं महादेव, घर के मुखिया, वो जहाँ चाहेंगे वहाँ रहेंगे, उसके लिए तुमसे नहीं पूछेंगे। अरे चच्ची, अरे हम आप ही का भला सोच रहे हैं, जरा सोचिए। बेड टी, मॉर्निंग टी, आफ्टरनून टी, इवनिंग टी, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, न जाने कितनी जरूरतें। अरे कितनी बार आप सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ेंगे, अब आप यही करेंगे क्या? वो सब हम कर लेंगे, सारा कुछ हम कर लेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। पांडे जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता था अपनी जुबान से, लेकिन सुनिए अब आप। ये आप देख रहे हैं गंगा की ओर खुलने वाली खिड़की, मादलेन रोजाना 500 रुपया इसी खिड़की का दे रही है, ना कि आपके कोठरी के, ना ही आपके दाल रोटी के। बस उसकी इतनी इच्छा है कि कमरे के साथ अटैच लैटरिन बाथरूम हो, तो आपको क्या परेशानी है उस कोठरी को टॉयलेट बनवाने में? खैर, आप ब्राह्मण, मैं ब्राह्मण, मेरा गोत्र आपसे ऊंचा ही है, सांडिल्य गोत्र। आप विद्वान हैं, वेद शास्त्र सब पढ़े, जरा सोचिए, महादेव जी के बगल के कमरे में कोई विधर्मी रहे तो क्या उनको बर्दाश्त होगा? अरे वो खुद ही वहां से भाग खड़े होंगे। खैर, मेरा धर्म था कि आपके भले की बात करूं, अब आप जाने, आपका काम जाने, सोचिएगा। मैं आऊंगा कल मादलेन के साथ शाम को, 3 महीने के एडवांस के साथ। जय श्री राम।
सावित्री तुम चिंता मत करो, हम कन्नी का कमीशन बढ़ा देंगे। सावित्री मादलिन के लिए नींबू की चाय बना देना। सावित्री मादलिन के लिए पानी तो गर्म कर दो। सावित्री मादलिन नहा रही है, फटाफट झाड़ू पोछा कर लो। सावित्री मादलिन ट्यूशन से उठ रही है, चाय पिएगी। मादलिन कल सारनाथ गई थी, आज रामनगर जाएंगी, लंच थोड़ा पहले करेगी। मादलिन रोज रोज वही रोटी, वही दाल, वही सब्जी, वही भात। नहीं यार सावित्री, कभी चेंज भी होना चाहिए, कुछ स्पेशल।